देखो ये कितना दानेदार बना है। सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है और फूल भी गई है, और इसमें इलायची डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ गया है। इससे आप पूजा में भोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो प्रसाद के लिए, और जब भी मन करे तो बना के खा सकते हैं। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा डेजर्ट जो हमारे घरों में सालों से बनता आ रहा है। जी हाँ, सूजी का हलवा। कोई भी ओकेजन हो, चलो हलवा बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, मैं भी खाती आ रही हूँ। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुकिंग बस अभी स्टार्ट ही की है, जैसे कि न्यूली वेड, या फिर जिनकी शादी होने वाली हो, या फिर जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, या फिर जिनकी बीवी अपने मायके गई हो और उनको हलवा भी बनाना नहीं आता। तो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सूजी के हलवे की ट्रेडिशनल रेसिपी। हलवा भी बनाना स्टार्ट करते हैं, बट गाइस आई नीड योर सपोर्ट। आप प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। चलो बनाते हैं सूजी का हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप देसी घी, आधा कप रवा यानी कि सूजी, आधा कप चीनी यानी कि शक्कर, 8 से 10 काजू को मैंने काट लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 7 से 8 लंबे कटे हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश जिनको मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि वो हल्की सी फूल जाएगी। एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि चीनी, रवा और घी का प्रोपोर्शन हलवा बनाने के लिए हमेशा बराबर रखना है। इससे हमारी हलवे की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी आती है और हलवा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हम अपनी सूजी को रोस्ट कर लेंगे। मैं सूजी को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करते हुए हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और सूजी को लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये हल्की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और सूजी को रोस्ट करते टाइम लगातार चलाते रहें, नहीं तो जलने का डर रहता है। हलवे के लिए आप ट्राई करें कि मोटी वाली सूजी ही लें, उससे हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। और उतना ही इम्पॉर्टेंट है सूजी को अच्छे से रोस्ट करना। तो सूजी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से हमारी रोस्टेड सूजी। परफेक्ट कलर, ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ। अब सूजी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी पैन में अब हम डालेंगे घी। यहां मैंने 1/2 कप देसी घी लिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा उसमें डाल लेंगे हम हमारी रोस्टेड सूजी। जनरली हम हलवे को प्रसाद के लिए बनाते हैं तो उसमें देसी घी ही इस्तेमाल करते हैं, या अगर वैसे भी बनाते हैं तो घी में ही बनाते हैं, तेल में हलवे को नहीं बनाते हैं। अब हम अपनी सूजी को घी के साथ पका लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है। इसको हम इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक चलाते रहेंगे। जैसे ही सूजी हमारी फूलने लगेगी हम डाल लेंगे अपने हलवे में पानी। पानी हमें लेना है 1.5 कप। जैसे ही आप पानी ऐड करेंगे ये एकदम से थोड़ी पॉप आउट करेगी क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो आप ये वाला स्टेप थोड़ा संभल के करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी इसमें हमें गर्म ही डालना है। अब हम इनको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ये धीरे धीरे गाढ़ी हो जाएगी। देखिए कैसे धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होती जा रही है और हलवा हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। इसी तरीके से हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे हम अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, किशमिश और इलायची पाउडर। ये सब चीज डालने के बाद हम हलवे को फिर से अच्छे से मिला लेंगे। हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आई है और इसका कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए हमारी एक एक सूजी कितने अच्छे से फूल गई है और इसने घी भी छोड़ दिया है। यही होता है हलवा। अब बस बारी आ गई है इसके अंदर अपना आखिरी इंग्रेडिएंट डालने की। जी हाँ, मीठा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप चीनी।
चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं थोड़ी बढ़ा दें, नहीं तो परफेक्ट रेशो तो आधा कप ही होता है, आधा कप चीनी, आधा कप सूजी और आधा कप घी। ये प्रपोर्शन अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका हलवा कभी गलत बनेगा ही नहीं। चीनी को भी हमने अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं हमारा हलवा अब और भी टेस्टी लग रहा है। हलवे को बस हमें 1 से 2 मिनट और पकाना है चीनी डालने के बाद। हलवा हमारा बनके तैयार है, बिल्कुल मुंह में पानी ला देने वाला बना है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो इस हलवे को आप किसी त्योहार पर या जब भी मीठा खाने का मन हो तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए आसानी से बनाएं। सूजी का हलवा हमारा बनके तैयार है, पूरा घर देसी घी खुशबू से महक उठा है। चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है। हलवा बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके सूजी का हलवा घर पे जरूर बनाएं। और जब भी आप बनाएं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। एंड गाइज, वन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरी और अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आशिमास किचन। See you in my next video. Until then, take care, goodbye, and happy cooking with Ashima's Kitchen.